सोचता था कि ऐसा कुछ करूं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं जितना खेला हूं, तो मैं पहले भी 3 हैट्रिक ले चुका हूं डोमेस्टिक में 2020 में, वो भी तो सोचता था कि अगर चांस मिले तो अच्छा करूं और ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दूं जो दिखे। ऑर्डिनरी तो सब करते हैं। नहीं, विकेट बहुत अच्छा था, बट मेरा था कि जगह में बॉल डालूं जो मेरा एरिया है। मैच से पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज था, थोड़ा प्रेशर था कि क्रूशल मैच है हमारे लिए, मैच जीतना भी है, और मुझे चांस मिला, राहुल भाई ने बोला कि आज तुम खेल रहे हो, तो मैंने अपने बड़े भाई, मतलब ये लगा बड़े भाई जैसे हैं मिस्टर नरेंद्र हिरानी, जो मेरी हर जगह, अभी वो सिलेक्टर भी हैं, उन्होंने हर जगह मुझे हेल्प की कि नहीं, जैसा तू खेलता है अपनी एयर इंडिया के लिए, डोमेस्टिक के लिए, वैसे ही आज खेलना है तूने। उनसे बहुत हेल्प मिली मुझे। परेशान कुछ नहीं, मेरे ये था कि उन्होंने उनसे जो बात हुई थी कि अपनी जगह है जो है, हमेशा बैट्समैन सोचता है कि आगे बॉल हाफ बॉल ही मिले या छोटा मिले, बट मेरा ये था प्लान कि मैं अच्छी जगह बॉल डालूं। दादा को मैंने खेलते हुए देखा है, राइडर को देखा है, तो मैं उसी हिसाब से, मतलब वही प्लानिंग से बॉल डाला। वो तो है ही, पार्ट ऑफ द गेम है, उनकी उसकी भी हेल्प थी कि स्टंप किया उसने, ऐसा टाइम था कि हैट्रिक एक हर बॉलर का एक ड्रीम होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। नहीं नहीं, मैं जो मेरी प्लानिंग होती है कि बैट्समैन को रीड करके बॉल डालता हूँ मैं, अभी तक जितना भी किया है। अगर थोड़ी भी मुझे प्रॉब्लम कहीं पर आती है मैच से पहले या एक दिन पहले मुझे पता है कि मैं मैच खेल रहा हूँ, तो जो मेरे बड़े भाई, मैंने आपको बताया मिस्टर नरेंद्र हिरानी, वो बहुत हेल्प करते हैं कि नहीं ऐसे बॉल डालनी है तूने, जैसे तू हमेशा बॉल डालता है, कोई प्रेशर नहीं देना तूने, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं, फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगता है उसने मेरी कॉपी की है ना कि मैंने, अभी तो बहुत दूर है, बस एक हर क्रिकेटर का एक सपना होता है कि मैं अपने कंट्री के लिए खेलूं, परफॉर्म करूं, नाम कमाऊं। तो पहले तो मैंने आईपीएल में ही जगह बनाई, आरआर ने मुझे साइन किया, तो राहुल भाई ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मोंटी जो हमारे कोच हैं उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझ पर कि अभी तुझे जो लिया है हमने, तुम्हें डोमेस्टिक क्रिकेट जो भी तुमने खेली है, तो मैंने काफ़ी परफॉर्म किया, उन्होंने देखा मोंटी ने, तो मुझे लिया उन्होंने। तो ये था कि जब भी चांस मिले अच्छा करूँ मैं अपनी टीम के लिए। कुछ नहीं, वो एक ऐसा टाइम था कि किसी भी क्रिकेटर के साथ ऐसा कुछ होता तो मुझे लगता नहीं है कि वो खड़ा हो पाता, बट मैंने वही हीरो भाई से बात की, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, एयर इंडिया के साथ क्रिकेट खेला, फिर मुझे हरियाणा ने बहुत सपोर्ट किया, मिस्टर अनिरुद्ध चौधरी ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं उसी टाइम 2020 नॉकआउट खेलने गया, वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर आरआर वालों ने साइन किया। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जब भी मुझे लगा तो मैंने हीरो भाई से बात करके कॉन्फिडेंस आता था मुझे।